हमारे दादा भी है जो हमको ड्राइविंग पे लेके जाते हैं। तो गाइज हम जा रहे हैं अगेन चिंडी। अगर हमको वहाँ स्नो मिलती है तो हम वापस स्नो खेलेंगे, वरना हम जाएंगे माहूनाग, है ना? ठीक है ना चाची? तो नटखट भी है हमारे साथ, सॉरी ये बताना भूल गई मैं। तो नटखट आज ये फुल एंजॉय कर रहा है नटखट, क्योंकि और दिन हम इसको बास्केट में डाल के लेके जाते ना, तो इसको हमने एंट्री ही फ्री माइंड किया हुआ है, इसको फ्री ही कर लिया और बस अभी आराम से बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है नटखट। आज करसोग के थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया पे आई हूँ और यहाँ से आपको पूरा करसोग नजर आ रहा होगा। ये देखिए ये हमारा करसोग है। तो गाइस गाड़ी आगे चली गई है और मैं रुकी थी यहाँ पे शूट के लिए, तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी। तो गाड़ी है हमारी उधर। तो गाइस आपको पता है नटखट इतना ज़्यादा तंग कर रहा था गाड़ी में अभी, क्योंकि ना उसको नींद आ रही थी क्योंकि वो सोया नहीं था और घर पे मैंने उसको खाना खुना खिला के लाई हूँ, अब उसका सोने का टाइम था, तो इतनी लंबी जीप निकाल रहा था बाहर। तो मुझे मैं परेशान हो गई कि मैं कहा यार ये क्या हो गया कि कहीं ऐसा ना हो मुझे गाड़ी रोकनी पड़े या मुझे वापस जाना पड़े। बट जैसे ही हमने उसको बास्केट में डाला और वो सो गया। तो गाइस मतलब वो भी मतलब एक बच्चा ही है ना, हमें बच्चों की तरह केयर करनी पड़ेगी उसकी। तो हमने कोई गलती नहीं की अपना रास्ता मोड़ के, क्यों भैया? क्या बोलते हैं आप? ठीक है ना? तो भैया भी मानते हैं, वरना ये हमको जबरदस्ती चिंडी लेके जा रहे थे और हमने इधर को मोड़ दिया अपना रास्ता। देंगे ना आगे डरेंगे तो बास्केट में इसको हम लेके नहीं जाएंगे बाहर क्योंकि इसका सोने का टाइम है।
बारिश भी हो रही है और स्नो भी है, और हम तो पहुंच गए कुल्लू मनाली यार। कल कोई मेरी दुकान में किसी लड़की से पूछ रहे थे कि क्या कहीं वो कुल्लू मनाली गए हैं, तो गाइस मैं कुल्लू मनाली में ही जी रही हूँ यार, तो कुल्लू मनाली से कम नहीं है ये वाली जगह भी। तो देखिए आप यहाँ पे भी आ सकते हो। नटखट को मैंने बिठा दिया भाई गाड़ी में भैया के साथ, तो भैया खेल रहे हैं उसके साथ और हम जाते हैं बाहर, ठीक है। तो मैं चली अब, ओए मैं गिरूंगी तो नहीं या मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ। तो चाची तो गॉगल शॉगल पहन के फोटो शूट कर रहे हैं। तो गाइस ये बारिश नहीं है, ये ना बर्फ गिर रही है फिर से। वाओ क्या किस्मत है यार। हम भैया कैसा फील कर रही है? अच्छा। ऑसम ऑसम ना चाची, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा ना। दूसरी वाली चाची को कैसा फील हो रहा है बताओ? बहुत अच्छा फील हो रहा है ना। भगवान ने नीचे तो बर्फ दी, ऊपर से भी बर्फ आ रही है। वाओ यार क्या किस्मत पाई है हमने जो हम चुनी ली गए। हाँ वही तो, हमने अच्छा कर लिया इधर आके। हाँ रेनबो भी है बट इसमें कैप्चर नहीं होएगा, तो रेनबो भी है इधर। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है यार। राइट नाउ आई सर, अभी हम खेलेंगे। तो गाइस चाची ने भी पहन लिया गॉगल आज, तो यार सुंदर लग रहे हैं। कहाँ देखे यार, यहाँ तो विश्व सुंदरिया हमारे पास है। दो दो ब्लॉगर आई हैं देखो यहाँ पे आज मेरे साथ, तो आज यही बोलेंगी हाँ मैं, तो मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है आज या कुछ खामोश है हाँ ये तो है, पता नहीं क्यों खामोश है ये। क्या हो गया तुझे? छीन बह रही है तेरी तो गाइस हमें मिले कुछ बच्चे यहाँ पर, 5-6 बच्चे जो गेम खेल रहे थे कोई, और वो कुछ लेकर आए थे। तो फिर उसके बाद तो जो मज़ा आया कि पूछो ही मत। अब आप देख ही लो कि कितना मज़ा आया होगा हमें। नहीं
अब तो गाड़ी बनाते थे बोरी में जा। बंदे पता है ये गया एक बंदा हाँ ना पैर से ब्रेक मार सकते हैं हम क्यों तुम रोज आते हो खेलने मजे आते हैं तुम्हारे कहाँ है तुम्हारा घर कहाँ जैसे मंदिर में चलो ठीक है चल जा बहन प्लीज कुछ नहीं होएगा देख मैंने और दिया ने भी एक्सपीरियंस ले लिया मैं तो अभी और जाने वाली हूँ चाची चले बस पैर से लगा देना ब्रेक ना हाथ से भी लगा देना जाओ इसमें नहीं आप अड़ने ये फायदा है यही ठीक है काफी अलग चौड़े वाला चलो तुम भी करो एंजॉय यार तुम्हारा एंजॉय खत्म कर दिया मैंने नहीं आओ बैठो आप हम तो देरी आते हैं तो फिर से अगेन चार बारी जा दीदी जा दिया छोटे वाले दीदी जा छोटे वाले नहीं जा दीदी बीच में जा जा इसमें गिरे परफेक्ट ग्राउंड है और देखो कितनी प्यारी लोकेशन है यार वाओ इट्स ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर लोकेशन है गाइस इट्स ब्यूटीफुल तो गाइस अब हम जा रहे हैं क्योंकि बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि दीदी वहाँ पे चलो वहाँ पे उधर उस साइड ना तो इससे भी ज़्यादा बर्फ है वहाँ पे वहाँ ज़्यादा इंजॉय होएगा हमारा उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें वहाँ पे चलो दीदी तो मैं चल रही हूँ पिछले साल आई थी आई थिंक मैं यहाँ पर ना और फील नहीं हो रही ठंडी बट पैरों में मेरे शूज़ के अंदर ऐसे थोड़ी थोड़ी बर्फ चली गई है नटखट है गाड़ी में और भैया आ रहे हैं गाड़ी लॉक करके नटखट को लॉक करके तो नटखट का पूरा ध्यान रख रहे हैं भैया थैंक गॉड अब हम जाते हैं आगे को
बर्फ ही बर्फ। चलो भाग के पकड़ो दिया को। ये वाला रास्ता मेरी मासी के घर भी जाता है, बट मैं आज उनके घर नहीं जाने वाली क्योंकि हम आए हैं सिर्फ स्नो खेलने। तो यही वाला रास्ता है, और हाँ ये वाला रास्ता धमून भी जाता है, धमून भी कभी घुमाऊंगी आपको व्लॉगिंग में। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, जाते हैं फटाफट। चलो अब 1 2 3 कम ऑन। पहुंच गया। तो ये कोई जगह बोल रहे थे वो कि बहुत ही लंबा रास्ता है जो हम फिसल के नीचे जाएंगे। तो देखते हैं कहीं ऐसा ना हो हम फिसल के नीचे नदी में ही चले जाएं। देखते हैं अब यहाँ पे होगा मेरा न्यू एक्सपीरियंस वहाँ भी, और ये काम मैंने फर्स्ट टाइम किया यार लाइफ में। तो गाइज़ ये रास्ता थोड़ा सा डेंजर था क्योंकि मुझे वहाँ पे इजी लगा, यहाँ पे थोड़ा सा टफ़ लग रहा था। तो कहीं ऐसा ना हो कहीं चोट वोट लग जाती, तो इसलिए मैंने मना ही कर दिया कि नहीं यार मैं यहाँ नहीं जाने वाली। तो गाइज़ मैंने बिल्कुल मना कर दिया। तो बच्चे तो बेचारे कर रहे थे कि हाँ चले जाओ दीदी चले जाओ, बट मैं नहीं गई। तो गाइस हम सारी मस्ती करके अब तो पैर भी ठंडे हो चुके थे, तो घर वापस जा रहे थे, और रास्ते में बारिश हो रही थी, बट हम निकल गए फिर टाइमली, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा बारिश हो जाती, तो हम डर गए थे। तो इस बार निकले हम शॉर्टकट रास्ते। तो नटखट ने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसको। तो गाइस मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। तो गाइज़ बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।